हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी लेकर, जिसकी रेसिपी है मसाले डोसे की। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ मसाला डोसा, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी होता है। ऑफ कोर्स मसाला डोसा किसको पसंद नहीं है यार। तो आप इस रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट टाइम पे, अपने लंच टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। तो अब हम अपने मसाले डोसे की रेसिपी शुरू करेंगे। पर शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, अभी हम अपने मसाले के डोसे की रेसिपी है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है रिश्ते का, ये जो डोसे का जो बैटर आता है उसको। हम इस बैटर को एक पतीले में निकाल लेंगे। बैटर को मैंने बाउल में निकाल लिया है, अभी हमें इसको छोड़ देंगे। और उसके लिए हम डोसे के आलू प्रिपेयर कर लेते हैं। आलू के लिए मैंने एक बॉइल पोटैटो लिया था, उसको मैंने मैश कर लिया। और यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च दो और एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको कट कर लिया है। अब हम इसको जाएंगे फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम अपना ये जो राई है वो डाल देंगे। उसके बाद हम अपनी ये हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। हमने इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। अभी हम इसको हल्का सा भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को भून लेंगे। प्याज हमारी हल्की सी भून चुकी है, तो हम अभी हम इसमें, हमको प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, तो फिर इसमें अभी हमने डोसे का आलू डाल देंगे और फिर वो आलू के साथ भी हम थोड़ा भून लेंगे। प्याज के साथ मैंने आलू को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधी चम्मच से तकरीबन हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और रेड चिली पाउडर, ज़रा सा बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें दो हरी मिर्च काट के डाली थी। अब आप इसको मिला लीजिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। मैंने इसमें इतना आधे चम्मच के करीब नमक मिला दिया है। आप इसको मिला दीजिए सारे मसालों को अच्छे से और थोड़ी देर के लिए आलू को भून लीजिए। मैंने आलू को थोड़ा सा भून लिया है, मिस्टेक से आलू को भून सकते हैं। जब ये आलू भूनता है तो आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये मेरा आलू जो है वो बन के रेडी है। और अभी मैं इसमें काट के हरा धनिया डाल दूंगी ऊपर से। आलू में मैंने काट के हरा धनिया मिला दिया था। अब हम इस आलू को ढक के छोड़ देंगे एक प्लेट से। ये देखिए, मैंने आलू को भी ढक के ढक दिया है। अभी हम साइड में अपना डोसा बना लेंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया नॉन स्टिक पैन। और अब हम नॉन स्टिक पैन को, गर्म हो गया है हमारा, तो अभी हम इसमें ये अपना बैटर जो है इसको डाल देंगे। तो हल्के हाथों से ऐसे ऐसे फैला दीजिए किनारों से, और फिर जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो हम इसमें किनारे किनारे से ऑयल डालेंगे। हमारा जो डोसा है वो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके किनारों से आप इसमें ऑयल डाल लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अपने डोसे में थोड़ा सा आलू लेंगे और हम इसके बीच में इस तरीके से आलू को भर देंगे।
और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म डोसा जो है वो बनकर रेडी है। इसी के तरीके से हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। तो ये लिया मैंने थोड़ा सा बैटर और इसको आपने ये डाल दिया और यूँ किनारों किनारों से इसको चला लीजिए। के किनारों से आपको क्या करना है, ऑयल डाल लेना है। फिर से हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, बीच में आलू भरेंगे और फिर हमारा जो डोसा है वो बनके ऐसे ही रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा डोसा जो है वो बनके रेडी है एकदम, और देखिए कितना क्रिस्पी है अंदर से, एकदम बाहर के जैसे ये डोसा बना है जैसे आपको मार्केट में मिलता है। अब आप इस डोसे को वो नारियल की जो चटनी आती है उसके साथ और ब्रेड वाली जो चटनी आती है उसके साथ आप खा सकते हैं। तो उसके बाद प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इसी तरह से मैं आपके साथ आगे की रेसिपी भी लाऊंगी। और हाँ, फीडबैक देना ज़रूर मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।